इसमें आज का जो टॉपिक हमारा है माध्यक है। या माध्यिका भी इसको हम कहते हैं, इसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसे मेडियन। इसका सिंबल होता है इसे एम। तो माध्यक निकालना हो तो उसमें सबसे पहला काम जो होता है वो आंकड़े को हम आरोही या बढ़ते क्रम में सजाते हैं। सजाते हैं आंकड़ा की संख्या है उम्र सम है या विषम है। आंकड़े की संख्या यदि सम हो तो माध्यक यानी कि m बराबर होता है n बाई टू में, एवं n बाई टू में प्लस वे प्लस वन वे पदों की माध्य। इस फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम सीखेंगे। जैसे यहां पे क्वेश्चन हमको दे दिया, अब इसको हमको कह रहा है कि माध्य निकालिए, यानी माध्यक नहीं, माध्य नहीं, माध्यक निकालिए। हमको माध्यक यहां से निकालना, हमको ये आंकड़ा दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात हमने कहा था कि जब भी आंकड़ा दिया कहे कि माध्यक निकालिए तो जो हमको आंकड़ा दिया हुआ है उसको या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। आंकड़े को, आंकड़े को आरोही क्रम में सजाने पर अब हम इसको क्या करेंगे, सजा लेंगे। सबसे पहले तो जीरो दो तीन चार पांच पांच, अब हमने सजा लिया। अब यहां पर कहता है कि आंकड़ा की संख्या, अब देखिए अब इसको गिनिए, आंकड़ा को गिनिए। तो यहां पर गिनिए एक दो तीन चार पांच छह, आंकड़े की संख्या, आंकड़े की संख्या यानी कि n बराबर कितना है, छ है। वो छ मेरा कौन संख्या है, सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो इसलिए माध्य निकालने का फॉर्मूला हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे मैंने कहा कि जब आंकड़े की संख्या मेरे का हो सम हो, क्या हो, सम हो। तो देखिए यहाँ पर एन का मन क्या आया है, सम आया है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर करेंगे एन का मान हम रख देंगे। एन का मान यहाँ से हमको क्या मिला है, छ मिला है। जो छह हम यहां पर रखेंगे एन बटा टू ऐसे हुए, एवं जहां जहां हमारा एन है वहां पर हम सिक्स मान छह लिख देंगे। माध्य तो एक कटेगा तो हो गया तीन, एक तीन होगा, एक क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। पदों का माध्य तो चार कैसे है, समझ में आया। यहां पे भाग देंगे दो से, इसमें तीन वर्ष में कटेगा, यहां पे तीन कटेगा, तीन आएगा, तो तीन आई एक चार हो जाएगा। तो हमने यहां पे लिख दिया चार। अब क्या करेंगे, इसलिए लिखना अभीष्ट माध्य, तो लिखेंगे इसलिए अभीष्ट माध्यक बराबर। तो अभीष्ट माध्यक का मतलब हुआ, करेंगे तीसरे और चौथे पद पे देखेंगे जो कौन कौन संख्या है। तो हम कहां पर देखेंगे, शुरू में नहीं देखेंगे जो सवाल देते उसमें, क्योंकि वो मेरा आरोही या अवरोही क्रम नहीं था। तो हम जो लिखे हैं आरोही क्रम सजाने पे, यहां पर लिखे थे, ये देखिए ये लिखे थे, ये क्वेश्चन था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखें तीसरे और चौथे पद में क्या है। तो तीसरे में यहां पर क्या है, तीन है, चौथे पे क्या है, चार है। तो तीन और चार को हम जोड़ेंगे इसे, तीन प्लस चार अब बटा दो कर देंगे, बटा दो कर देंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सात अब बटा दो। अब इसे हम भाग देंगे तो आएगा 3.5। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंकड़े की संख्या विषम हो तो हम माध्यक लिखते हैं एन प्लस वन बाई टू में पद। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमको आंकड़ा दिया हुआ है, अब करें इसका माध्यक निकालिए। मैंने कहा था माध्यक कहेगा निकालने का, लेकिन आंकड़ा देगा तो उसमें सबसे पहले बात होता है हमको ध्यान देना होता है जो आंकड़ा मेरा दिया हुआ है वो घटते या बढ़ते क्रम में दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। अगर नहीं है
तो आपको उस आंकड़े को अब किसी एक क्रम में सजाना पड़ेगा। देखिए इसको हम देखते हैं, यहाँ पे 8, 7, फिर 12, 15, 10, 19 इन्हें मेरा घटते क्रम है नहीं बढ़ते क्रम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस आंकड़े को यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आंकड़े को अब किसी एक क्रम से जा सकते हैं, तो हम लिखते हैं आरोही क्रम में सजाने पर। आप यहाँ पे आरोही क्रम भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि मैं आरोही लिखा हूं तो आप भी सिफार आप आरोही भी लिखें तभी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं अपनी होगा। और आरोही या अवरोही किसी में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक। तो लिखे हम यहाँ पर लिखते हैं आरोही क्रम में। देखिए तो पहले 7, उसके से 8, उसके से 10, 11, 12, 15, 19। तो अब हम क्या करेंगे इसको गिनेंगे। अब यहाँ पर हम गिनेंगे जी आंकड़े की संख्या वो मेरा कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आंकड़े की जो संख्या आ रहा है यहाँ पर लिखेंगे आंकड़े की संख्या, आंकड़े की संख्या यानी कि n का मान हमको मिल रहा है कितना, 7 मिल रहा है। अब ये 7 मेरा कौन संख्या है, विषम संख्या। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर, यहां से लिखेंगे माध्यक बराबर n प्लस 1 बाई 2 में पद होता है, तो यानी कि n का मान यहां पर हम क्या लिख देंगे, 7 प्लस 1 बटा 2 पद। अब एक जोड़ेंगे तो 8/2 पद, ये हो गया चौथे पद। अब यहां से हमको अब देखना है कि अभीष्ट माध्यक, ये हमारा माध्यक नहीं हो गया, अब हमको यहां से लिखना है अभीष्ट माध्यक, इसलिए अभीष्ट माध्यक बराबर। तो अभीष्ट माध्यक मेरे यहां से क्या होगा, तो इसमें हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे जो सजाए हैं वहां पे, 1, 2, 3, 4 यानी चौथे पद पे, चौथे पद पे इसमें कौन सा नंबर है, 1, 2, 3, 4, तो मेरा यहाँ पे क्या है 11 है, तो यही मेरा क्या हो गया 11 आंसर हो गया। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। अब यहां से हमको जानना है जहां कौन क्या है, कौन किसका क्या नाम है, हम लिख लेते हैं। एल को बोलते हैं माध्यक का वर्ग की निम्न सीमा, इसको हम बोलते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है इसका नाम, क्या नाम है इसका, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बोलते हैं इसको। एन मतलब हो गया कुल बारंबारता, कुल बारंबारता। सीएफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, वर्ग की संचयी बारंबारता बारता। एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग तो यहां समझा ये एल का नाम है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन को बोलते हैं कुल बारंबारता, एन का मतलब कुल बारंबारता, सीएफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है, ये ध्यान रखना कि संचयी बारंबारता है, क्या है लेकिन किसका, जो माध्यक वर्ग है उसके पहले जो वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता है। एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, एस का मतलब है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो मैं इस फॉर्मूला का हम तभी यूज करेंगे जब हमको तीनों चीज ये एक साथ हो, जैसे वर्ग अंतराल
बारंबारता, बारंबारता एवं ये तीनों अगर एक साथ है तभी हम माध्यक इस फॉर्मूला के यूज करके निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का अगर जब हमको यूज करना हो तो हर हाल में हमको तीनों ये एक साथ होना चाहिए। किताब में आपको ये तीनों एक साथ नहीं देता है। आप क्वेश्चन जब देखिएगा तो ऐसे वर्ग हो गया, वर्ग या बारंबारता, एवं संचय बारंबारता, ये तीनों हमेशा एक साथ नहीं देता है। इसमें से दो ये देगा तो ये नहीं देगा, अगर ये देगा ये और ये देगा तो फिर ये नहीं दे पाएगा आपको। तो ध्यान देना है कि इस तीनों में से कोई दो देता है, एक नहीं देता है। तो इसके लिए हमें जानना है, क्वेश्चन हम देखते हैं और हम आसानी से समझते हैं, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि मेरा बारंबारता है और कैसे पहचानेंगे संचयी बारंबारता है। अगर मान लो कि नहीं लिखा है, अगर लिखा है बारंबारता तब तो हम आराम से आसानी से बता सकते हैं कि ये बारंबारता है। अगर नहीं लिखा है तो हम कैसे जाने कि ये मेरा बारंबारता है और कैसे जाने कि वो संचयी बारंबारता है, दोनों में से कौन है। तो इसके में पहचान के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। तो इसका तरीका क्या है, बारंबारता हम कैसे पहचानेंगे और संचयी बारंबारता कैसे पहचानेंगे। जब क्वेश्चन में दिया हो कि दोनों नाम नहीं लिखा हो कि संचयी बारंबारता है और ना लिखा हो कि ये बारंबारता है, तो उसके लिए हम कैसे जानेंगे। नहीं लिखा हो कि मेरा संचयी बारंबारता और बारंबारता का नाम नहीं दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे। तो बारंबारता हम तब बोलेंगे, ये नहीं बढ़ते क्रम में होता है ना बढ़ते क्रम में हो ना क्रम में नहीं घटते क्रम में। कह रहा है कि बारंबारता न तो बढ़ते क्रम में ना ही घटते क्रम में हो तो हम जानेंगे कि मेरा क्या है, बारंबारता है। संचयी बारंबारता कैसे पहचानेंगे हम, तो संचयी बारंबारता पहचानने का आसान तरीका है, ये सिर्फ बढ़ते क्रम में आपको नजर आएगा। किस क्रम आएगा, बढ़ते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम में दिख रहा है तो वो नाम नहीं लिखा है तब भी आप वहां बोलिएगा कि मेरा क्या है, संचयी बारंबारता है। अगर नाम लिखा है तो आसानी से बता सकते हैं, नाम नहीं लिखा हो अगर बढ़ते क्रम में है तो हम उसको बोलेंगे कि मेरा क्या है, संचयी बारंबारता है। क्या है मेरा, संचयी बारंबारता। तो ये बारंबारता और संचयी दोनों को हम कैसे पहचान करेंगे, तो अगर न बढ़ते क्रम में हो और न ही घटते क्रम में हो तो उसको हम बोलेंगे बारंबारता बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, बारंबारता बोलेंगे। और जब कह रहा है कि जब बढ़ते क्रम में हो, नाम नहीं लिखा है कि संचयी है या बारंबारता है, तब उसको हम बोलेंगे संचयी बारंबारता। क्या बोलेंगे, संचयी बारंबारता। तो ये बात आपको समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं कैसे इस पे सवाल बनाते हैं क्वेश्चन। अभी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आयु दिया हुआ वर्ष में 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये सब हमको आयु दिया है। और इसमें दे रहा है कि 0 से 10 में कितने रोगी हैं, 7, 10 से 20 में कितने हैं रोगी, 5 आदमी हैं, 20 से 30 में कितने रोगी हैं, 30 से 40 में कितने रोगी हैं, 40 से 50 में कितने रोगी हैं। तो अब कह रहा है कि इसका कि हमको माध्यक निकालिए, ऊपर में इसे कह रहा है कि इसका माध्यक निकालिए। तो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था आपसे कि माध्यक निकालने के लिए आपको तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है, तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वर्ग चाहिए, बारंबारता चाहिए और संचयी बारंबारता चाहिए आपको। अगर तीनों एक साथ होगा तब हमारा माध्यक इस टेबल से यानी इस बंटन से या सारणी से हमारा निकल पाएगा, लेकिन यहाँ पे तो दिया नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमको दिख रहा है ये वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता हमको है कि संचयी बारंबारता है या बारंबारता है, क्योंकि लिखा तो नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे, मैंने अभी इसके पहले कुछ देर आपको एक ट्रिक बताया था, कहा था कि अगर ये जो आपको संख्या दी हुई है नहीं बढ़ते में हो और नहीं घटते क्रम में हो तो इसका मतलब यह है मेरा है क्या है, बारंबारता है। देखिए 7, 5, 11, 6, 4, यानी कि ना कहीं बढ़ रहा है कभी घट रहा है, बढ़ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं नहीं बढ़ते क्रम में, तो इसका मतलब इसका मान क्या हो गया मेरा, एफ हो गया।
यानी कि मेरा बारह मरता है, क्या है बारह मरता है, लेकिन हमको एक आदमी और चाहिए, तो ये दो आदमी मिल गया, तो हमको चाहिए अब संचय बारह मरता क्या चाहिए, तो हम एक और टेबल इसी में से खींच के इसमें ऐसे बना देंगे, इसी में खींच के एक और टेबल हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे जोड़ के नहीं दिया लेकिन हम इसी में जोड़ बनाएंगे। अब यहां पर हम इसको लिखेंगे संचय बारंबारता, ऐसे ये मेरा संचय बारंबारता हो गया, ये क्या हो गया संचय बारंबारता, शॉर्ट नाम लिखा हूं संचय बारंबारता, चलो मैं सही लिख देता हूं, ये संचय बारंबारता, ये मेरा हो गया संचय। अब कहने का हम लिखें कैसे इसको, तो पहले क्या है सात तय हम सात लिख देंगे, ये सात में पांच को जोड़िए जोड़ के यहां पर हम लिख देंगे ऐसे, तो सात पांच बारह, फिर अभी बारह में हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पे लिख देंगे, तो हम बारह में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तेईस हो जाएगा, फिर इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पे लिख देंगे, तो ये मतलब मेरा कितना हो गया उन्तीस हो गया, फिर हम इसको इसमें जोड़ देंगे इसके यहाँ पे लिख देंगे, तो ये मेरा क्या हो गया तैतीस हो जाएगा। तो मैंने कहा ये पहला जो है वो जेव करते हुए हम लिख देंगे, सात है तो यहाँ पे हम सात लिख देंगे, तो पहला हमारा हो गया। अब इस सात को ऐसे तीसरा देखिए हम जोड़ेंगे, देखिए सात में पांच जोड़े हैं जोड़ेंगे तो कितना है बात, हम यहाँ इसके सामने लिख देंगे पांच के बारह हो गए, तो मेरा बारह इसका संचय बारंबारता बारह हो गया। फिर ऐसे ही देखिए ग्यारह, ग्यारह को हम बारह में क्या करेंगे जोड़ देंगे, फिर इसके सामने लिख देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा तेईस, यहाँ पर तेईस इसका बारंबारता संचय बारंबारता हो गया। फिर तेईस में हम छह जोड़ेंगे यहाँ पे तीस आ गई थी, फिर यहाँ पे लिख देंगे तो मेरा इसका इसका क्या हो गया संचय बारंबारता हो गया। फिर ऐसे ही हमने इस चार जोड़ के यहाँ पर लिख दिया संचय बारंबारता हो गया, इसमें आपको दिक्कत। तो मैंने आपको बताया जोड़ने के तरीका कैसे है जोड़ते हैं, तो अब यहां से हमने जान गए कि हमारा ये संचय बारंबारता मिल गया। अब एक बात यहां से ध्यान देना है, अब हमको यहां पर लिखना है n का मान, तो n का मान क्या होता है ये देखिए, लास्ट में देखिए संचय बारंबारता कितना है, जो लास्ट में है सबसे बड़ा संचय कितना है तैतीस है, वही मेरा n का मान होता है। मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा संचय बारंबारता होता है वही मेरा एन का मान है, किसका मान है एन का मान है। मैंने फिर एक बार कर रहा हूं, जो सबसे बड़ा संचय बारंबारता होता है वही मेरा एन का मान होता है, किसका मान होता है एन का मान होता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे चूंकि एन बाई टू, यानी कि हम एन दो से भाग देंगे यहां पर, तो 16.5 आएगा, 16.5। अब यहां पर आ गए, तो अभी एक चीज यहां पर लिखेंगे से, ठीक बड़ी, यानी कि दो में जो हम भाग दें जितना है एक से देखेंगे बड़ से ठीक बड़ी, से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, से ठीक संचय बारंबारता हमको निकालना है। तो अब इससे बड़ा हमको संचय बारंबारता इसमें देखिए 16 से बड़ा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सात यहाँ पे 12, लेकिन इससे बड़ा ठीक दिख रहा है 23 दिख रहा है, लेकिन कोई कह सर 29 भी नहीं, तो 29 से ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसके करीबी कौन है, तो कौन है मेरा 23 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 23 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 23, 23 है, क्या है 23 है बस वर्ग। तो माध्यक वर्ग हमने कैसे निकाला, माध्यक वर्ग कहने का मतलब कि जो बड़ी संचय बारंबारता आया है इसके सामने देखिए कौन सा वर्ग है, इसके सामने जो वर्ग है ना मेरा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो गया, क्या हो गया यही वर्ग जो है मेरा क्या हो गया माध्यक वर्ग हो गया, तो माध्यक कितना हो गया 20 से 30 मेरा हो गया माध्यक वर्ग, क्या हो गया 20 से 30 मेरा माध्यक वर्ग हो गया, क्या हो गया माध्यक वर्ग। अब यहां से हम एल का मान लिख सकते हैं, L का मान होता है, अब यहां से हम L का मान लिख सकते हैं, L का मान का होता है निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये मेरा माध्यक वर्ग है, निम्न सीमा यानी कि जो पहले आया है छोटा है वो निम्न सीमा, और जो बाद में है वो बड़ा है वो उसको उच्च सीमा बोलते हैं, तो ये छोटा वाला 20 जो मेरा क्या है निम्न सीमा है, या हम यहां से भी लिख सकते हैं निम्न सीमा, तो 20 मेरा निम्न सीमा हो गया। एफ देखिए एफ कह रहा है तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग मेरा यही है, यही माध्यक वर्ग है, मैंने कहा इसके सामने का वर्ग देखिए इसके इसका बारंबारता कितना है 11 है, तो मेरा क्या हो गया आपको एफ हो गया, बारंबारता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग कितना 20 से 30, देखिए यहाँ पे यहां से लिखा है ना माध्यक वर्ग 20 से 30। अब इसके बाद से आपको जो इसका
बारह मारते ही ना मेरा ग्यारह है तो ये एफ का मान हो गया, क्या मान हो गया, एफ का मान हो गया। अब करोगे माधक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बार मारता है सी एफ, अब हमको निकालना है सी एफ यानी माध्यक वर्ग का ठीक पहले वाले वर्ग, यानी कि ये तेईस से है, इससे पहले क्या है मेरा कौन संचय बार मारता है बारह है, तो हमें बारह हो गया मेरा ये। फिर अब यहां से एच निकालना है, एच माइनस बीस कितना दस, यही मेरा क्या हो गया एच का मान हो गया, किसका हो गया एच का। तो हमको अब यहां से एल एफ सी एफ एच और एन तो ऑलरेडी हमको पता है पहले ही से कितना है तैतीस है, कितना है तैतीस है। यहां पे लिखेंगे माध्यक यानी कि एम बराबर होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। अब यहां से मान रखेंगे एल का मान, देखिए कितना है एल का मान बीस, यहां से हम बीस रख दिए। एन बाई टू का मान, अब एन का मान कितना है तैतीस बटा दो, सी एफ का मान बारह बटा एफ का मान ग्यारह और गुणे एच का मान देखिए यहां से कितना आया है दस, यहां पर हम दस लिख देंगे। बीस इसमें भाग देंगे तो यह आएगा सोलह पॉइंट फाइव माइनस बारह बटा ग्यारह गुणे दस, ये घटेगा तो यहां पहुंचेगा चार पॉइंट फाइव गुणे दस बटा ग्यारह, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा जैसे बीस प्लस पैतालीस बटा ग्यारह। बीस इसमें भाग देंगे हम यहां से तो आएगा चार पॉइंट जीरो नाइन आएगा, इसमें ग्यारह से भाग देंगे तो चार पॉइंट जीरो नौ, तो इसमें जोड़ेंगे चौबीस पॉइंट जीरो नौ, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये तीन चीज चाहिए, वर्ग अंतर चाहिए, संचय बारह चाहिए और बारह मारना चाहिए। तो ये तो हमको दिख रहा है कि मेरा क्या है वर्ग अंतर ऑलरेडी है, अब ये पता करना है कि मेरा बारह मारता है कि संचय बारह मारता है, तो इसको पता करने का आसान तरीका देखना कि ना ये बढ़ते क्रम है नहीं क्या है घटते क्रम है, तो इसका मतलब कि मेरा बारह मारता है ये क्या है, अगर यही बढ़ते क्रम होता तो संचय बारह मारता कहलाता। अब संचय बारह तो यही साइड है, इसके एक और एक्स्ट्रा बॉक्स बना के इसे अब इसमें हम संचय बारह मारता यहाँ पर लिखेंगे, अब किससे निकालेंगे ये जो बारंबारता इसी से हम संचय बारंबारता यहाँ पर निकालेंगे, संचय बारंबारता कौन सा होता सत्य कैसे निकालेंगे, ये चार एकम चार लिख देंगे यहाँ पर हम। अब ये चार को इसमें जोड़ेंगे तो चार में को जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा नौ, तो यहाँ पर नौ लिख देंगे। अब नौ को इसको जोड़ेंगे इसमें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाईस हो जाएगा, अब इसको हम बाईस को बीस में जोड़ेंगे और यहाँ पर लिख देंगे तो मेरा बयालीस हो जाएगा, अब बयालीस को इसको जोड़ देंगे तो छप्पन हो जाएगा मेरा, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये मेरा चौसठ हो जाएगा, फिर इसको जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे और हमको निकालना है एन का मान निकालना है। तो एन का मान हमने कहा था कि सबसे बड़ा संचय बारह जो होता है वही मेरा एन, तो कितना है अड़सठ है तो ये मेरा हो गया, अब इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एन बाई टू बराबर तो अड़सठ बटा दो यानी कि चौंतीस। अब ये चौंतीस से हम देखेंगे चौंतीस से बड़ा इसमें चौंतीस से बड़ कौन सा संचय बारह मरता है, तो चौंतीस से हम लेंगे चौंतीस से ठीक बड़ी संचय बारह मरता, तो चौंतीस से बाईस में संचय ही है, देखिए यहां से बाईस है बयालीस है तो इसी के बीच में आएगा, बाईस छोटा है तो इसका इस चौंतीस से बड़ा क्या है बयालीस, बयालीस मेरा क्या हो गया इससे बड़ा हो गया। तो माध्यक वर्ग होता है जो बड़ा संचय वर्ग मरता मिला हुआ है उसके सामने का वर्ग, तो जो वर्ग यही मेरा वर्ग है इसी को हम बोलेंगे माध्यक वर्ग बोलते हैं, तो 125 से 145 मेरा ये मेरा माध्यक वर्ग मिल गया। अब यहां से हम एल का मान लिख सकते हैं, इसमें छोटा वाला है वो निम्न इसमें हो गया, अब यहीं से हम एच का मान लिख सकते हैं 145 में से हम घटा देंगे इसको तो ये मेरा आ जाएगा आपको बीस आ जाएगा। फिर यहां से हम एफ लिख सकते हैं, एफ का होता है जो माध्यिका वर्ग है उसकी बारह, तो माध्यिका वर्ग तो मेरा यही है 125 145, अब इसकी बारह कितना है 20 है तो एफ का मान हमको 20 मिल गया।
अब सीएफ हमको निकालना फिर यहां से। सीएफ कहने का मतलब कि जो ठीक बड़ा संचय बार मरता है उससे पहले कौन से संचय बार मरता है, तो इससे पहले क्या है 22 है, तो हमने 22 मारा, सीएफ का मान हो गया 22। अब हमको फिर यहां से एन तो ऑलरेडी पता है, एन हमारा कितना है यहां से 68 बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ अगुण एच। एल का मान पता है 125, एन बाई टू एन का मान 68 बटा दो माइनस सी एफ का मान 22, एफ का मान 20, एच का मान 20, ये 20 से 20 कट जाएगा, यहां बच जाएगा 125, ये हो जाएगा इतना माइनस 22 दो एक बार इसको जोड़ देंगे 137, यही मेरे का हो गया 6 और 7। आप इसी तरह बना सकते हैं, एच डब्ल्यू के रूप में लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 14.3 में ये क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर, और 3 नंबर माध्यक निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमको आयु दिया हुआ, वर्ष में दिया हुआ है, अब पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ है, एज यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से धारक जो है कितने एज से है, तो 20 से कम में 2 आदमी है, ऐसे ही एज इधर दिया हुआ है। लेकिन ये तो हमको पता हो गया कि हमारा वर्ग अंतराल है, लेकिन ये पता नहीं है इस साइड वाला ये संख्या कि मेरा संचय बार मरता है कि बार मरता है। तो मैं आसान तरीका आपको बताया था, अब ये मेरा देखना है कि बढ़ते क्रम है या घटते क्रम है, नहीं नहीं जब ये देख रहे हैं कि सब बढ़ते क्रम है, तो बढ़ते क्रम का मतलब हो गया कि मेरा संचय बार मरता है, कौन सा बार मरता है संचय बार मरता है। मैंने बताया था कि जब बढ़ते क्रम में आए तो आप समझिए कि संचय बार मरता है, इससे पहले आप देखें तो ना वो बढ़ते क्रम में था ना घटते क्रम में है, तो बार मरता है, ये बढ़ते क्रम में है तो मेरा क्या हो गया संचय बार। लेकिन हमको माध्यक निकालना है तो हमको तीनों चाहिए, लेकिन 2 मालूम है तो बारमरता नहीं मालूम है, तो हम संचय बारमरता से बारमरता आराम से निकाल सकते हैं। इधर बॉक्स बना के साइड में इसको और फैला देंगे, इसको हम बॉक्स ऐसे बना लेंगे साइड में। अब यहां पर हम लिख देंगे बारमरता, यानी कि एफ ई मेरा हो गया बारमरता हो गया। अब यहां से हमको देखना है कि ये 2 तो 2 यहां पर हम लिख देंगे, अब ये 2 को 6 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और फिर ये 6 को हम इसमें से घटाएंगे 24 में से, तो यहां हमको 18 आ जाएगा। अब इसको फिर 45 में से घटाएंगे 24 को, तो यहां पे कितना आएगा 1 2 21 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 45 को हम यहां पे घटाएंगे इसमें से तो 3 3, फिर इसको इसमें से घटाएंगे हम 1 1, इसको फिर इसमें से घटाएंगे हम यहां पे, फिर इसको यहां पे घटाएंगे, हमको मिल जाएगा ऐसे। तो हम घटा कर निकाल सकते हैं, एक पीछे वाला घटाएंगे पहला जीव का तेल लिख दिए हम, फिर 6 में से 2 घटाएं तो हमको यहाँ बारमरता मिल गया। तो इस तरह हम घटा के बारमरता निकाल सकते हैं, बारमरता निकाल सकते हैं। तो अब यहां से हमको एन का मान निकालना है, तो एन मैंने कहा था एन होता है जो सबसे अधिक संचय बार, हम जान गए कि मेरा संचय बार इसमें सबसे अधिक कौन सा है 100 है, तो मेरा एन का मान हो गया, किसका मान हो गया एन का, तो इसलिए अब एन बाई टू हमको निकालना है यहां से, तो 100/2 हो जाएगा यानी 50 हो जाएगा। तो 50 से ठीक बड़ देखना है, बड़ी संचयी बार मरता लिखना है, 50 से बड़ कौन सा संचयी बार मरता हमारा है, संचयी बार मरता कौन इससे बड़ा है, तो 50 से बाद देखना है इसमें कौन सा है, तो 45 छूट है तो इसके कौन है 78 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 78 है, क्या है 78 है। अब 78 के सामने का जो वर्ग है यही मेरा माध्यक वर्ग हो जाएगा, यही मेरा क्या हो गया माध्यक वर्ग। अब 78 के सामने का जो वर्ग है यही मेरा माध्यक वर्ग हो गया, अब 78 ही ना आपका है, इसके सामने का वर्ग कितना 35 से 40, तो यही मेरा हो गया माध्यक वर्ग। अब यहां से हम एल लिखा निकाल सकते हैं, निम्न सीमा 35 इसमें हो जाएगा, फिर ऐसे ही एच निकालना है तो 40 में से हम 35 घटा देंगे तो 5 आ गया, ऐसे ही फिर हमको निकालना है एफ निकालना है मैंने बारमरता, तो देखना है कि माध्यिका वर्ग की बारमरता कितना है 33 है, तो मेरा 33 हो गया। अब सी एफ निकालना है, तो सी एफ निकालने का मतलब 50 से बराबर होते ही ना है, तो इससे पहले कौन सा है 45 संचय बनता, तो मेरा 45 हो गया। फिर हमको एन एन तो ऑलरेडी पता है कितना है 100 है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ
गुणे एच। एल का मान देखिए 35 प्लस एन का मान 100 बटा 2 माइनस 45 बटा 33 गुणे 5 50 कटेगा 50 हो जाएगा माइनस 45 बट 33 गुणे 5 35 ये हो जाएगा 5 गुणे 5 बटा 33 35 ये 25 बटा 33 इसमें हम भाग देंगे तो कटेगा 0.76 मर्त में। अब इसको जोड़ देंगे तो 35.76 ये मेरे का हो गया आंसर।